काफ़ी चर्चा है, चुनावी माहौल क्या है, कैसी होगी लड़ाई? लड़ाई इस बार तो अच्छी होगी मुझे लगता है, क्योंकि जाति धर्म और हर चीज़ से उठ के इस बार लोगों ने विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार के बारे में बात करना शुरू कर दिया। इस पे लड़ाई हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर निष्पक्ष होगा, क्योंकि जाति धर्म पे लड़ाई करना मुझे नहीं लगता कुछ सही है। हाँ, शिक्षा रोज़गार इस पे लड़ाई करना बहुत अच्छा रहेगा, यही चारों स्तंभ हैं वैसे भी इस भारत के, तो हमारे बलिया का भी यही स्तंभ होना चाहिए, शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य और विकास। दल क्या होगा? दल निर्दल है या फिर किसी राजनीतिक दल से आ रहे हैं मैदान में? नहीं, मैं भारतीय जननायक पार्टी से हूँ, उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ, और मेरा बिजली का एक्सटेंशन बोर्ड चुनाव निशान भी है, जो कि सब रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में। क्या विधानसभा में किस तरीके से मेहनत हो रही है, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की तैयारी, फिर लोगों के जनता के बीच जाने का कैसा माहौल बन रहा है और किसी तरह से तैयारी चल रही है? लोकसभा में, सारे लोकसभा में, 5 विधानसभाओं में मैं जा चुका हूँ। मैं सड़कों पर नहीं, गांव-गांव में घूम रहा हूँ, और ये है कि गांव वालों से बात करने में ये पता चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परेशानियाँ हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सड़क नहीं है, किसी तरह पहुँचते हैं गांव में तो वहाँ गांव वाले खुद ही प्रताड़ित हैं, कहीं निकासी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब एक तरह से कुछ हुआ नहीं है गाँव का विकास। फिर कैसे बनेगा, बेहतर गांव कैसे होगा, वहाँ की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? सारे समाधान होते हैं सर, करने पे आए आप सब कुछ होता है, चाहे आप श्रमदान करें, चाहे आप लोगों के साथ मिला के, गाँव वालों के साथ मिला के उनके गांव का विकास में सब मदद करते हैं, क्योंकि उन्हीं के गांव का विकास होगा। बड़े राजनीतिक दलों के सामने अपनी तैयारी कैसी होगी? राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारी है, मेरी अपनी तैयारी है, मैं ग्राउंड लेवल पे तैयारी कर रहा हूँ, ग्राउंड जीरो पे हमेशा खड़ा होकर हर गांव में जहाँ पे परेशानियाँ वहाँ पहुँच के, और वहाँ पे तैयारी ये है कि लोगों से उनकी समस्या सुनना और उनका समाधान करवाना, ये तैयारी होती है और मैं वही कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, अभी बात हो रही थी हमारी कैप्टन वैभव सिंह से, बलिया लोकसभा सीट से चुनाव नामांकन यानी चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं। फिर आगे की रणनीति क्या होगी, कहीं ना कहीं चुनावी रण क्षेत्र में हमारी आपकी मुलाकात जरूर होगी। नमस्कार।